इस पूरे 6 महीने के बाद मैं अपने घर वापस आ रहा हूँ। असल में मैं 1-2 मिलियन डॉलर लेके पिकनिक पे बाहर गया था। अभी मेरे अकाउंट में देखो 1 डॉलर बचा है बस। चलो कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही बहुत अमीर हूँ। एक मिनट, मेरे घर पर ये लोग क्या कर रहे हैं? टोनी स्टार्क तो गया बाहर में, अब हम नए नए सूट बनाएंगे। क्या नए नए सूट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा पास जाके देखना पड़ेगा गाइस। मेरे स्टोर भाई, ये सूट क्या है? पूरी जिंदगी में मैंने ऐसे सूट कभी सोचे भी नहीं थे। इन्होंने ये क्या बना डाला? एक है ग्रीन जायंट आयमैन, एक ब्लू जायंट आयमैन। इतने औसम सूट कैसे आ गए इनके पास? ये सब इतने टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है गाइस, कहीं ना कहीं से इन्होंने और से खरीदे हैं ये सूट, कुछ तो किया है। अरे यार एक काम करता हूँ, नया सूट खरीद लेता हूँ। क्या नया सूट? लगता है गाइस ये मेरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। देखिए ऑनलाइन शॉप पर कोई सेल चल रही है, और भाई 10 मिलियन डॉलर में एक अच्छा सूट है तो ब्लू आयरन हल्का है। अरे इसी को खरीद लेता हूँ, काफी मजा आएगा। ये क्या, बाय नाउ पे क्लिक। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर देख रहे हो ये लोग इस तरह से सूट ला रहे हैं। लेकिन यार ये दुनिया भर में सूट बना कौन रहा है इतने प्यारे प्यारे? गाइस यार ये तो बहुत ताकतवर है, मुझे चुपचाप यहाँ से निकल लेना चाहिए। क्योंकि अरे भाई 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 भाई, भाई रे, इन्हें तो पकड़ लिया। टोनी स्टार्क तेरा ही पीछा कर रहे थे हम 6 महीने से, कहाँ था तू? अरे भाई मैं बाहर गया था पिकनिक से, लेकिन तुमने तो मेरे घर कब्जे में ले लिया। मैं एक दिन वादा करता हूँ वापस आऊंगा तुमसे, घर वापस लूंगा। नहीं, अब तो तू गरीब भिखारी बन चुका है, निकल यहाँ से इससे पहले कि हम तुझे जान से मार दे। अब जिंदा तो छोड़ दो मुझे, हट यहाँ से। मजा ही आ गया उसको पीट कर। हे हे, बल्ले 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 बल्ले। अरे गाइस उस ग्रीन 2099 और ब्लू रिवेंजर ने मेरा घर मुझसे छीन लिया। अरे पास सिर्फ 1 डॉलर बचा है। दोस्तों हम भी किसी ऑनलाइन वेबसाइट से सूट खरीद लेते हैं, पहले देखना पड़ेगा। अरे ये वेबसाइट तो लॉक्ड है यार, प्लीज अनलॉक कराने के लिए वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, नहीं किया है तो। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज मेरे लिए कर दो। कॉमेंट में या तो अपना प्यारा सा नाम लिख दो या फिर यस लिख दो, उससे शायद हमारी वेबसाइट अनलॉक हो जाए। कम ऑन गाइज, अरे वाह वेबसाइट हमारी अनलॉक होगी। लेकिन गाइज यहाँ पर बहुत महंगे महंगे सूट हैं। फिलहाल ये 1 डॉलर का सूट है, काफी अच्छा लग रहा है, ग्रीन टाइप का, इसी को मैं बाय कर लेता हूं। अरे वाह गाइस, ये तो एक मेरा मार्क 1 का ग्रीन वर्जन है यार। मार्क 1 में वैसे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी, लेकिन इतनी भी पावर नहीं थी। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम इसकी पावर और चेक करते हैं, क्या पता ये सूट अच्छा हो और यहां पे बहुत अच्छा से चल पाए। अरे नहीं गाइस, ये क्या, मैं तो उड़ भी नहीं पा रहा हूं यार, मेरी किस्मत खराब है। मुझे और पैसे कमाने होंगे नए-नए सूट खरीदने के लिए। ये क्या चल रहा है? फ्रैंकलिन तू जल्दी हमें स्पाइडरमैन का सूट दे दे। अरे मैं स्पाइडरमैन हूं फ्रैंकलिन नहीं हूं। बकवास बंद कर, तू जो भी हो हमें जल्दी से स्पाइडरमैन का सूट दे। गाइस ये क्या चल रहा है? मेरे स्पाइडरमैन को इन लोगों ने कैद रखा है, जब से टोनी सर गए ना सब बर्बाद हो गया है। गाइस मुझे स्पाइडरमैन को किसी हाल में बचाना होगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे बॉम्ब लगा देता हूँ और इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि इन बॉम्ब से इन दोनों मोटे मोटों को तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये हल्क जो ठहरे यार, हल्कों ने पूरे शहर में गाइस तबाही मचा रखी है। काश मैं गया ही ना होता स्टार्क मैनसन से, पता नहीं फ्रैंकलिन कैसा होगा बेचारा। कोई बात नहीं है, फिलहाल तो हमें स्पाइडरमैन को बचाना पड़ेगा। अरे कौन फटा देखनी होगी, कोई भी नहीं है यहाँ तो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कौन है? स्पाइडरमैन बच्चे देख, तेरा टोनी स्टार्क वापस आ गया। अरे सर ये आपको क्या हो गया? आपसे अमीर तो मैं हूँ। हाँ भाई क्या करूँ, बहुत गरीब हो गया, सब कुछ छीन गया मेरा। फिलहाल यहाँ से निकल जल्दी से, नहीं तो ये लोग हमें मार देंगे। कौन मार देंगे? अरे नहीं गाइस ये तो सामने आ गए। आ जाओ दोनों मछली जाल में, चुपचाप पैसा निकालो नहीं तो मार देंगे। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, स्पाइडरमैन के पास पैसा है लेकिन वो तुम्हें देगा नहीं। बिल्कुल टोनी सर यहाँ से भाग निकलते हैं। अरे कैसे भाग है भाई स्पाइडरमैन? अरे टोनी सर ये गन तो इन पे काम ही नहीं करती। बिल्कुल सही कह रहा है यार, ये बहुत ही खतरनाक है, बेवकूफी होगी इन पे, किन तरह की गन का यूज करना, काश एक सुपर गन होती। अरे सर मेरे पास है, मेरे पास है। अब तो तूने मुझे दी क्यों नहीं? क्योंकि वो बहुत भारी है, मुझसे उठेगी नहीं। कोई बात नहीं है, मैं चला लूंगा। बकवास बंद करो, कितना बोलते हो, तुम्हें जल्दी से काम करता हूँ, जाल में कैद कर देता हूँ, अलार्म बनाएंगे तुमको हम अपना। अरे यार गाइस ये दोनों तो सो रहे हैं, चल भाई स्पाइडरमैन जल्दी जल्दी उठ जाओ। अरे टोनी सर कमर टूट गई मेरी तो, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं आपको बदले में 1 लाख डॉलर दूंगा। क्या 1 लाख डॉलर देगा? गाइस हमारा स्पाइडरमैन तो बड़ा हो गया। ठीक है मैं यहां से निकलने की कोशिश करता हूँ। अरे वाह चाल टूट गया, लेकिन यार ऐसे भागने से कोई फायदा नहीं है, ये दोनों हमारे पीछे आएंगे। तो गाइस ये स्पाइडरमैन की गन है, कितनी ऑसम है ना यार। अरे टोनी सर मारिए इसको। अरे चाचा मार दिया। अरे क्या कर दिया हमारे साथ, अरे कितना बुरा मारी है। गाइस यार लिटरली मेरी गन बहुत ऑसम है, दोनों के दोनों को झटके दे दे के मैंने बेहोश कर दिया। अभी हमको कई
महीने परेशान नहीं करेंगे। चल भाई स्पाइडरमैन, अब यहाँ से निकलते हैं, जल्दी जल्दी आ जा इससे पहले कोई और मुसीबत आए। जी टोनी सर, मैं आता हूँ। स्टॉक मेंशन क्यों नहीं चल रहा है? अरे भाई स्टॉक मेंशन में मैं बर्बाद हो गया। ग्रीन 2099 ने और ब्लू रेवेंजर ने मेरे स्टॉक मेंशन पे कब्जा कर रखा है। उनके पास बहुत खतरनाक आयरनमैन के सूट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं है सर, मैं आपकी फिलहाल मदद कर देता हूँ। आप भी नए नए सूट बनाइए इन पैसों से लेके। हाय फिलहाल मुझे एक वेबसाइट मिली है जहाँ से मैं सूट खरीद सकता हूँ, तो जल्दी से मुझे $1,00,000 दे दे। जी सर, मेरे पास $1,00,000 थे, मैंने दे दिए। बहुत बढ़िया बच्चे, तो गाइस जल्दी यहाँ से निकलते हैं। बेचारे स्पाइडरमैन ने हमारी मदद कर दी क्योंकि हमने उसकी भी तो की है। एक दोस्त दूसरे के दोस्त काम कराए तो मजा नहीं आता ना। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी चलते हैं। ऑलराइट ये वाली जगह बेटर है, चलो जल्दी देखते हैं। गाइस यहाँ पर $1,00,000 का सूट तो है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। सबसे पहले काम करते हैं, देखते हैं कैसा है। अरे वाह, ये तो मेरा मार्क 50 का ग्रीन वर्जन है यार, बाय करता हूँ अभी। ऑलराइट गाइस मेरे पास विंग्स आ चुके हैं लिटरली में। अभी मुझे क्या लग रहा है, मैं वापस से उड़ सकता हूँ। कमॉन। अरे वाह गाइस, हम यहाँ पर इतने पावरफुल तो हो गए कि उड़ सकते हैं, लेकिन गाइस अभी मैं इतना पावरफुल भी नहीं हुआ कि 2099 हल्क को या ब्लू रेवेंजर हल्क को हरा कर अपना स्टॉक मेंशन छीन लूं। लेकिन गाइस आप सभी मेरे साथ रहना, मैं उनको पीट पीट कर अपना घर वापस ले लूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे अभी और भी सूट खरीदने होंगे ताकतवर बनने के लिए। तो गाइस ब्रेकिंग न्यूज में देखते हैं क्या चल रहा है। बहुत बड़ा मिलिट्री बेस पहला यहाँ पर पता चला है। रेड हल्क का कोई वर्जन बन चुका है जायंट रेड हल्क, और वो तबाही कर रहा है मिलिट्री बेस में। बचाओ रे, पैसा मिलेगा उसको। क्या मिलिट्री बेस में हमला? अगर मैंने मिलिट्री बेस का हमला रोक लिया तो दोस्तों यहाँ पर मुझे मिलिट्री बेस वाले बहुत पैसे दे सकते हैं। तो चलो जल्दी चलते हैं। मैं बन चुका हूँ जायंट रेड हल्क, क्या बात है, सबको मार दूंगा। ये लो मिलिट्री बेस वालो, तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। मैं हूँ जायंट, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कितना मजा आ रहा है इनको पीटने में। अरे गाइस ये क्या तबाही चल रही है। तू कौन सा वाला हल्क है? मैं गॉड रेड हल्क हुआ करता था पहले, लेकिन अब बन चुका हूँ जायंट रेड हल्क। ओ तो गाइस इसने जरूर कोई एक्सपेरिमेंट किया अपनी बॉडी पर और ये इतना बड़ा जायंट बन चुका है। अगर मैं इसको पीट दूं तो यहाँ पर गाइस मुझे पैसे मिल सकते हैं। बकवास बंद कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख रहे हो गाइस जितने भी हल्क हैं सबने हमारे शहर को यार बुरी तरह से बर्बाद किया हुआ है, लेकिन एक एक करके सबको पीटूंगा मैं। अच्छा टोनी, अब बताता हूँ तुझे, बहुत हो गया। सबसे पहले मैं इसके पैरों में बम मारता हूँ जिससे गिर जाए। और ये क्या कर रहा है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे गाइस ये कोई खेत की मूली नहीं है जो मैं इतनी आसानी से इसको मार पाऊं, मुझे कुछ और स्ट्रेटजी लगानी होगी। और गाइस प्लीज कमेंट में आयरन मैन ओपी लिखो मेरे लिए, नहीं तो मैं तो अभी मर जाऊंगा। टोनी स्टार्क मर जा, यही बेहतर होगा बच्चों। गाइस देख रहे हो ये कैसे पीट रहा है मुझे, लेकिन मैं हार मानने वाला उसमें से नहीं हूँ, इसलिए मेरे को गाइस एक और आइडिया लगाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले इसके पैरों पर अटैक करता हूँ, एक बार अगर मैंने इसको गिरा दिया तो दोस्तों फिर ये मुझ पर अटैक नहीं कर पाएगा। ये ले और क्या कर दिया, मेरा साथ गिरा दिया रहा बुरी तरह से। देखा गाइस मेरी स्ट्रेटजी काम कर गई, मैंने इसको बुरी तरह से यहाँ पर घेर लिया है गाइस, और अब ये रेड हल्क बहुत जल्दी एलिमिनेट हो चुका होगा। और मैं हार मानता हूँ, प्लीज माफ कर दो मुझे। क्या बात है गाइस, देखा हमने साथ में मिलकर इस जायंट रेड हल्क को हराया है। कर्नल कहाँ पर हो? मिलिट्री के कर्नल से अभी हमको मिलना पड़ेगा, इसके बाद हमें पैसा देगा। टोनी स्टार्क तुम्हारा बहुत भला हुआ, तुम हमारे शहर में वापस आ गए, बड़ा तुम्हारे बिना तो ये सारे के हल्क पागल हो चुके हैं और हमारे शहर को तबाह कर रहे हैं। अगर तुम ना होते तो हमारा क्या होता। बिल्कुल सही कहा कर्नल साहब, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे पैसों की जरूरत है। बिल्कुल ये कैसी बात कर दी आपने, ये दीजिए पूरे $10,000,000। अरे वाह गाइस, देखा मैंने कहा था ना मिलिट्री बेस वाले एकदम दिल खोल के पैसा देते हैं। अभी $10,000,000 में हम अपने आप को बहुत बेटर तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एकदम सेफ जगह आ चुका हूँ। एक काम करता हूँ, निकालता हूँ अपना स्मार्टफोन अभी के अभी, और गाइस चेक करते हैं यहाँ पर 10,000,000 में कौन सा सूट अवेलेबल है। गाइस टॉप पे देखिए, राइट में एक सूट अवेलेबल है, पहले देखते हैं कैसा दिखता है। अरे गाइस वाह, ये काफी बेटर लग रहा है पहले से। ये क्या मैंने इसको बाय? ऑल राइट गाइस, अभी पहले मैं स्लिम टाइप का मैन था, लेकिन अब तो मेरी बॉडी एकदम बोल्ड हो गई है। एंड देखिए गाइस, इस बार मैं इतना पावरफुल तो हो ही चुका हूँ, उस ब्लू रिवेंजर को तो नहीं लेकिन 2099 हल्क को तो हरा ही सकता हूँ। तो चलो गाइस जल्दी चलते हैं और जाकर अपना बदला लेते हैं। मैं बहुत ही स्पीड में उड़ भी पा रहा हूँ। एक काम करते हैं, पहले न्यूज पर देख लेते हैं कि असल में चल क्या रहा है। ये निकाला स्मार्टफोन, बाबरे ब्लू रिवेंजर और उसका भाई 2099 पागल हो चुके हैं। उन्होंने बहुत ही बड़े मेज बैंक पर एक बॉम्ब रखा हुआ है। वो बोल रहे हैं सरकार अगर उनको $100,000,000 नहीं देगी तो वो शहर को फाड़ देंगे। कोई बचा लो उस 2099 से। गाइस ये दोनों भाई पागल हो चुके हैं, मैंने बोला था ना। अभी चलते हैं पूरे के पूरे मेज बैंक के ऊपर और देखते हैं ऐसा कौन सा बॉम्ब है जो उसने वहां पर रखा हुआ है। पैसा दो, बॉम्ब हटवा लो। अरे भाई ये बॉम्ब तो सबका बाप है गाइस, कितना बड़ा यार। 2099 निकल जहां से, टोनी स्टार्क पहले
पहले कम पिटा था क्या जो वापस आ चुका है और तेरे पास ये सूट कहां से आ गया? चल चुपचाप ये सूट देकर हमें चला जाए यहां से। देखा गाइस ये इतने बुरे हैं, जब देखो बुरी बातें बोलते रहते हैं। अच्छा बेटा सूट चाहिए ना तुझे, अब दिखाता हूं तुझे, ये ले और ये ले गाइस। मैंने कहा था ना ये सूट बहुत ऑसम हो चुका है पहले से, क्योंकि भाई पूरे 10 मिलियन डॉलर का सूट है, तो ये पावर तो ऑब्वियसली इसमें होनी चाहिए थी। अरे बाप रे, मेरा भाई तुझे छोड़ेगा नहीं, वो ब्लू रिवेंजर है, जानता हूं तेरे भाई को भी, उससे भी बदला ले लूंगा, पहले तेरी तो बैंड बजाऊं। अभी गाइस मुझे यहां पे बातें छोड़नी होगी, जल्दी जल्दी हमें मेज बैंक पे चलना होगा, वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है, इसलिए मुझे इसको शहर से बाहर लेके जाना होगा। अरे नहीं 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 गाइस, इतना मोटा बॉम्ब है कि पूरे शहर को खा जाएगा, तब भी चैन की सांस नहीं लेगा, जल्दी जल्दी चलता हूं। यहां पर मेरे दोस्त रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उन सबको बचाने के लिए मुझे इसको बहुत दूर लेके जाना होगा। गाइस समुंदर के एकदम नीचे वाले शोर पे हम इस वाले बॉम्ब को छोड़कर आएंगे, जिससे कि कम से कम डिस्ट्रक्शन हो, यहां पर ठीक रहेगा, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं इस बॉम्ब को अपने देश को हार्म नहीं करने दूंगा। गाइस देखिए यार कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन है, ओ माय गॉड गाइस, लिटरली मैंने अपने देश को बचा लिया, अपने शहर को बचा लिया, मुझे इस बात पे बहुत प्राउड फील हो रहा है, और हम सब ने साथ मिलकर ये इतना अच्छा काम किया है, अब तो सरकार हम सभी से बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और हमको इनाम भी देगी। एक मिनट, लगता है किसी का कॉल आ रहा है, फोन निकाल के देखता हूं। अरे टोनी स्टार्क, अभी हमें पता चला आपने हमारे लॉस सैंटोस को बचा लिया, शुक्रिया जितना कहें उतना ही कम है, इसलिए सरकार आपको इनाम देना चाहती है। अरे बिल्कुल सर, ये तो मेरा फर्ज था, फिर भी अगर आप मुझे पैसे देने चाहते हैं मैं उसको एक्सेप्ट कर ही लूंगा। वाह गाइस, सरकार ने मुझे 45 मिलियन डॉलर दिया इनाम पर। गाइस इतने पैसे में तो यार हम एक बहुत ही ऑसम टाइप का सूट खरीद सकते हैं, क्यों ना अभी मैं अपना स्मार्टफोन निकालूं। और अरे है गाइस, लेफ्ट में देखिए एक सूट है नीचे की साइड, 45 मिलियन डॉलर का। यार ये तो एक ग्रीन एलिमेंटल का सूट है, गॉड लेवल वाला, अब भी इसको बाय करता हूं। गाइस लिटरली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं कि सूट कितना पावरफुल है। अगर आपको इसकी पावर्स देखनी है तो चलो जल्दी चलते हैं ब्लू रिवेंजर के पास, जिसने मेरे स्टॉक मेंशन पे हमला किया था और उसके भाई को मैंने अभी पीटा है। टोनी स्टॉक कहां से आ रहे हो? तेरे भाई की बैंड बजाकर आ रहा हूं, क्योंकि उसने शहर में बॉम्ब रखा हुआ था ना, इसका मतलब प्लान फेल रहा, बिल्कुल फेल रहा, और अब तू बचेगा नहीं। बचेगा तो तू नहीं कीड़े, तूने मेरे भाई को हार्म किया, तेरी जिंदगी की आखिरी गलती होगी, और तेरी आखिरी गलती ये होगी कि तूने टोनी स्टॉक के स्टॉक मेंशन पे कब्जा किया और मुझे यहां से बाहर निकाल दिया। मजाक अच्छी कर लेता है और पीट भी तुझे अच्छा लेता हूं मैं। ये ले गाइस देखिए इस सूट की पावर्स, लिटरली मैं ये ओपी सूट है, क्योंकि ये ग्रीन गॉड एलिमेंटल का सूट है, बहुत ही ऑसम आई मैन वाला। अरे बाप रे कितना हैवी सूट है ये, छोड़ मुझे, मैं तुझे मार क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि मेरी विल बहुत स्ट्रांग है फिलहाल तुझसे। गाइस हमने ब्लू रिवेंजर को यहां पर अच्छी तरह से डिफीट कर दिया है, अब एक काम करते हैं, इसके पास जितना भी पैसा है उस सब को हम चुरा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, अरे वाह मेरे पास 100 मिलियन डॉलर आ चुका है। अभी गाइस देखिए 100 मिलियन डॉलर का सिर्फ एक ही सूट बचा हुआ है स्टॉक में, तो इसको देखते हैं। और गाइस ये तो ग्रीन 5 हेडेड अल्ट्रॉन का सूट है, यार जल्दी इसको बाय करता हूं। ऑल राइट गाइस, मैं तो 5 हेडेड ग्रीन अल्ट्रॉन आयरन मैन बन चुका हूं, लिटरली में मेरे पास पावर्स बहुत ही हैवी आ चुकी हैं, देखिए मैं किस तरह से ब्लो कर पा रहा हूं। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना, बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस।